नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त केडी ऑडियो की तरफ से। तो दोस्तों, जो बास ट्रैवल सर्किट मैंने तैयार करा था, तो दोस्तों उसमें मैंने थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करा है। तो मॉडिफिकेशन ये था कि दोस्तों जो ये जो मैंने ट्रांजिस्टर थे, ये मैंने दोस्तों 549 इसमें चारों चेंज कर दिए हैं। और बाकी ये जो PF थे, मैंने ये भी इसमें चेंज करे हैं अपने अकॉर्डिंग के, मुझे किस हिसाब की मतलब बेस चाहिए, ट्रेवल चाहिए। तो मैं उन PF का जो नंबर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि क्या कुछ इनका नंबर है। तो 473 जो ये जो 473 के जो PF हैं दोस्तों, इन्हें आप बेस साइड लगा सकते हैं। और मैं आपको दिखा दूं, जो दोस्तों 472 जो PF है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये 472 जो PF है दोस्तों, इन्हें आप ट्रेवल साइड लगा सकते हैं, जैसे कि आप इसका नंबर देख पा रहे होंगे। तो ये एक मॉडिफिकेशन मैंने इसमें करी। और दूसरी मॉडिफिकेशन दोस्तों, मैंने इसमें जो आप यहाँ पे ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये वाली और ये वाली और ये वाली, इनको मैंने चेंज करके दोस्तों 3.3K की लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने 10K की रेजिस्टेंस इसमें यूज़ कर दी है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मतलब ये जो पोर्शन है दोस्तों, इसमें मैंने काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है, क्योंकि मुझे आवाज़ थोड़ी समझ नहीं आ रही थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दिया है। तो दोस्तों ये जो बोर्ड है, इसी वाले जो ड्राइवर सेक्शन का जो बोर्ड है, इसी का हिस्सा है, इसी का ही मैंने काट के इधर मैंने ये लगा रखा था, तो इसको मैंने अलग से बनाया है। तो दोस्तों इसकी जो ये ब्लू वाली वायर आप जो देख रहे हैं, जो आप यहाँ पे 2.7K लिखा हुआ जम्पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पे जो जम्पर लगाया हुआ है ये वाला, इसको दोस्तों मैंने सीधे इसकी जो प्लस वाली वायर है सप्लाई की, जहाँ से मुझे 30-40 वोल्ट मुझे मिल रही है, वो मैंने दोस्तों सीधी यहाँ लगा रखी है, इस वाली बास ट्रेवल के इस वाली लेग पे। तो बाकी दोस्तों साउंड टेस्टिंग के लिए मैंने ये वाली जो है ये ट्रेवल के लिए है, ये बेस के लिए है, और बाकी ये मेन वॉल्यूम है। बाकी मैंने यहाँ से मेन लीड ऑक्स के जरिए मैंने अपने फ़ोन में यहाँ से कनेक्ट कर रखा है। तो मैं दोस्तों आप इसको साउंड टेस्टिंग सुना देता हूँ। तो दोस्तों साउंड टेस्टिंग तो मैंने इसकी बास ट्रैवल की करके दिखा दी आपको। बाकी मैं दोस्तों इसको दिखा देता हूँ कि कितनी वोल्ट DC जो इसकी वोल्टेज है जिस पे ये ऑपरेट हो रही है, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना मल्टीमीटर DC रेंज पे 200 पे सेट कर रखा है। ये मैंने इसकी क्रॉप यहाँ पर ले ली। तो एक क्रॉप को मैं जैसे कि इस वाली पे लगाऊंगा, तो दोस्तों एक क्रॉप मैंने जो ये वाली जो ग्राउंड है, मैंने इस ग्राउंड पे लगा दिया है। बाकी जो रेड वाली क्रॉप है, थोड़ा सा नीचे करो इसे, ये जो
ब्लू वाली वायर है इस पे मैंने लगा दिया है। और बाकी आप दोस्तों इस पे रीडिंग चेक कर सकते हैं, 31 वोल्ट इस पे आ रही है अभी नॉर्मली। इसे मैं यहाँ से हटा दूंगा तो वो उधर आप चेक कर सकते हैं। तो ये वाली जो मेरी जो ये वाली ब्लैक वाली है, ये मेरी ग्राउंड पे लगा रखी है मैंने इस वाली पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 31 वोल्ट उस पे अभी शो कर रहा है बाकी। और ये वाली जो रेड वाली है, ये वाली मैंने इस पे लगा रखी है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो 31 वोल्ट पे नॉर्मली अभी ऑपरेट हो रही है बास ट्रेवल। और दोस्तों बास ट्रेवल, तो दोस्तों साउंड टेस्टिंग कैसी लगी वो आप मुझे बताएं ज़रा इसकी। और बाकी मैंने दोस्तों वही अपने मॉनिटर पे इनको चेक करा था, और कोई दूसरा मेरे पास साउंड टेस्ट करने के लिए कुछ और दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं है। तो फिलहाल तो यही था साउंड टेस्टिंग वगैरह में। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना कि साउंड टेस्टिंग इस बास ट्रैवल की कैसी रही। तो अपने अकॉर्डिंग दोस्तों आप भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मैंने खुद ने इस पर मॉडिफिकेशन करी है। ये जब बनाई तो अपने हिसाब से मैंने इसमें मॉडिफिकेशन कर रखी है कम्प्लीट, तो तभी मुझे साउंड इसका समझ में आया, अदरवाइज मुझे इसका साउंड नहीं समझ में आता। बाकी सप्लाई वगैरह सारी कुछ इधर लगी हुई है। अभी एक एक चैनल में मैंने दो दो ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं। जब इसका सेट मैं कंप्लीट दोस्तों तैयार करूंगा तो एक चैनल में 4 ट्रांजिस्टर होंगे, क्योंकि ये 200+200 वाट का है। आप यहाँ पर रेजिस्टेंस देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसका कंपेयर कर सकते हैं कि कितने कितने ट्रांजिस्टर इसमें लगने वाले हैं। तो 100+100 मतलब 400 वाट का स्टीरियो, ये 200+200 वाट का स्टीरियो एम्पलीफायर बनने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही, और केटी ऑडियो चैनल के साथ जुड़े रहें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बंदे न्यू वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको ऐसी नई नई वीडियो और इंटरेस्टिंग वाली इंटरटेनमेंट की और थोड़ा सा साउंड से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहें। और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें दोस्तों, और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो में कुछ कमी रही है या नहीं रही, या कुछ और मुझे मॉडिफिकेशन इसमें करना था, तो प्लीज़ वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों।